मैंने तो उससे कह दिया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो किराज? तुम्हें दिख नहीं रहा फीको मैं बैठी हूँ? अभी भी वो तुमसे बात नहीं कर रही? कुछ भी सही नहीं है फीको, जब से दीदी वापस आई है सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है, मेरे स्कूल, मेरा घर, मेरे दोस्त, सब कुछ। अब तो मलिक दीदी भी जा चुकी है, वो भी वापस नहीं आएंगी। तुमसे किसने कहा? मलिक दीदी कहकर गई है ना कि कुछ दिनों में लौट आएंगी, तो वो आ जाएंगी। हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं होंगे फीको, हमको भूखा रहना पड़ेगा, भूखा। वो लोग हमें स्कूल से निकाल देंगे, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, वो हमारे स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? फिर भी कहती है कि वो सब सॉल्व कर देंगे, क्या हमें बेवकूफ बना रही है वो? किरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डैड सॉल्व कर देंगे और मलिक दीदी को भी वापस ले आएंगे, मेरा यकीन मानो। हाँ जरूर फीको, डैड सब सॉल्व कर देंगे, तुम पागल हो क्या? तुमने आज सुबह उनकी हालत देखी नहीं थी क्या? वो एक बूढ़े डैड है, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, सब खत्म हो चुका है फीको। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं उस घर में नहीं रहूँगी। फिकरत, फिराज। यस सर। अपनी दीदी से कहो मुझे उनसे कल मिलना है। हमारी दीदी से? पर क्यों? बस मुझे उनसे बात करनी है। बस हमें कैसे पता? शायद वो कल आपसे कहेंगे कि स्कूल से हमें निकाल रहे हैं। बिना हजार हमें स्कूल से क्यों निकालेंगे? मुझे लगता है उन्हें कुछ और बात कहनी है, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। और अगर निकाल देने की बात की तो? सुनो किरास, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम स्कूल में जाओगी, मैंने तुमसे वादा किया है और मैं वादा निभाऊंगी, बात खत्म हो गई, देखती हूँ कल। वैसे भी ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अरे दीदी छोड़ो ना इसकी बातों को, मुझे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। मुझे नहीं करना। अरे ठीक है, फिलीस प्लीज मलिक को फोन करो ना, उसकी माँ फोन उठाती है बार बार और मुझे मलिक से बात नहीं करने दी। तुम उसकी दोस्त बनकर फोन करो ना, जब वो लाइन पर आएगी तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है? चलो प्लीज। नहीं नहीं मत करना, मैं सुबह से यही कर रही हूँ और मैं थक गई हूँ, इनके सासू माँ ने तो मुझे पागल कर दिया। उनके बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छी बात करोगी तभी तो वो ठीक से जवाब देंगी ना, एक इंसान की तरह हेलो बोलना है। क्या छोड़ो प्लीज, तुमसे विनती करता हूँ, तुम इसे सॉल्व कर सकती हो। देखिए आप अपना काम खुद कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लानत है तुम पर, मैं तुमसे एक काम करने को कह रहा हूँ और वो भी तुम पलट कर जवाब दे रही, ऐसे ही निकम्मी नहीं बुलाता हूँ तुम्हें। दीदी कल मेरी ट्रेनिंग है, पर मेरे स्वेट पैंट्स उस घर में है, अब मैं क्या करूँगा? हाँ तो जो अंदर पड़े हैं वो पहन लो। जो अंदर पड़े हैं वो? हाँ तुम वही पहनो। हम भी तो ये कह रहे थे, पर हमारी बात सुनता कहाँ है? तो तुम क्या चाहते हो, मैं अभी तुम्हारे लिए नए स्वेट पैंट्स तैयार करूँ? हाँ आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बहन कुछ मत करो, अगर तुम समझदार हो तो इस घर से चली जाओ, ये घर नहीं दीवानों की बस्ती है। क्या कहा आपने? और मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे उस घर में जाना है, लेकिन आप मानिए जाओ अपने कमरे में। मैंने घर आकर अभी तक अपनी जैकेट तक नहीं उतारी है, देखो पता नहीं क्या होगा, छोड़िए इसे। घंटी बज रही है। हेलो, मेरा नाम इस्मत है जी। अजी मैं लड़की ही बोल रही हूँ, पहले मैं उसकी मरीज थी फिर हम दोस्त बन गए, क्या आप मेरी बात उससे करा सकती हैं? अरे पागल, उसने फोन रख दिया, क्या कर रहा है तू? बिना डायल क्या कहा है इसने? फिलिस क्या हुआ, स्कूल में कुछ बुरा हुआ? वो मैंने की माँ ने स्कूल की फीस रोक दी है। ओह नो, अब? और प्रिंसिपल ने मुझसे फीस की बात की है। तो तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा अब मैं उनका ख्याल रख रही हूँ तो फीस भी मैं ही भरूंगी। कितनी फीस है उनकी, कितने पैसे भरने पड़ेंगे? उन्होंने कहा 3 लाख रुपए। क्या तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? काम करके हम भर देंगे, सैसे का और क्या। उन्होंने मुझे लोन दिलवाया है बैंक से, बच्चों का स्कूल जाना चालू रहेगा और मुझे हर महीने 80,000 भरने होंगे। ठीक है तुम फिक्र मत करो, चलो हम काम करते हैं, चलो हम भर देंगे पैसे हम, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पता नहीं इतना महंगा स्कूल कैसे लोग अफोर्ड कर पाते हैं, क्या वो बच्चों को सोने में ढकते हैं? पता नहीं इतने सारे पैसे क्यों लेते हैं। अब काम करो और क्या।